अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब। तो आज ब्रेकफास्ट में बनने वाले हैं रवे वाले अप्पे। जी हाँ, रमज़ान हो गया माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से रमज़ान भी हो गया, ईद भी हो गई, सब अच्छे से हो गया अल्लाह के करम से। अब हमारी नॉर्मल दिनचर्या शुरू हो जाएगी। तो रमज़ान के बाद का फर्स्ट ब्रेकफास्ट हमारे घर में बन रहा है रवे वाले अप्पे और कोकोनट की चटनी। और कोकोनट की चटनी बनाने के लिए फ्रेश कोकोनट घर में है नहीं, यानी कि गीला नारियल घर में है नहीं, सूखा नारियल है, तो उसी से मैं चटनी बनाऊंगी। तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चटनी बनाना ही शुरू कर दिया था क्योंकि घर में रवा नहीं था, आपके भाईजान सो रहे थे, जब वो उठेंगे तो रवा लेके आएंगे। तो यहाँ पर मैंने सूखा खोबरा ले लिया क्योंकि गीला खोबरा नहीं था। तो साथ ही साथ दो हरी मिर्ची, कड़ी पत्ते, अदरक और भुनी हुई सेम जो मैंने घर में ऑलरेडी भून के रखी थी वो मैंने ले लिया। उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से बारीक मिक्सर में पीस लूँगी। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मैं पीसूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चटनी को ना अच्छी तरीके से पीस लिया है और ये गाढ़ी ही है, ज़्यादा मैंने इसको पतला नहीं किया है। अभी भी आपके भाईजान और रुजमा सो रहे हैं, जब चटनी बन जाएगी तो मैं उनको उठाऊँगी और फिर वो रवा ला के देंगे तो मैं यहाँ पर बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, चटनी को तड़का लगा रही हूँ। तो राई ऐड की, कड़ी पत्ता ऐड किया, अब तड़का लगा दूँगी। तो ये चटनी बहुत टेस्टी सी तैयार हो जाती है। अगर आप सेंग नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप चने की दाल ऐड कर सकते हैं और खोबरे, गीला खोबरा ऐड कर सकते हैं। मेरे पास तो गीला खोबरा ही नहीं था इसलिए मैंने सूखा खोबरे का चटनी बनाया। और यहाँ पे मैं नींबू ऐड कर रही हूँ। नींबू ऐड करने से क्या होगा पता है, ये जो वाइट चटनी वाइट ही दिखेगी, कलर नहीं बदलेगा इसका, ज़रा भी कालापन की परत नहीं आएंगी ऊपर से और चटनी में एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा नींबू की वजह से, थोड़ी सी खटास आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर ख़ुद के लिए चाय बनाऊँगी। चाय मैं पहले पी लूँगी, चटनी बना के मैंने रख दी। एक्चुअली रवा मेरे को लगा रात में कि ना रवा घर में है, इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठी और ये सोची कि ना रवा वो उसको थोड़ा रखना पड़ता है, आधे घंटे रेस्ट के लिए रखेंगे ना, अब तक बहुत अच्छे बनते फूले फूले से, बट रवा ही नहीं था। तो मैंने सोचा थोड़ा काम भी कर लेते हैं, चटनी तो बन चुकी है, मेन तो चटनी का ही टेंशन रहता है। चटनी बन चुकी है तो मैंने चाय बनाने रख दी है और यहाँ पर मैं बर्तन धो लूँगी और बर्तन धोने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद किलो को उठाऊँगी। तो बस यहाँ पे क्या ना 8:30 बज रहा था और पानी आ रहा था, हम लोग का मेन जो कनेक्शन है उस वजह से पानी थोड़ा फोर्स में रहता है तो बर्तन धोने भी अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पे अपने लिए चाय निकाल रही हूँ, चाय पी लूँगी। तो आपके भाईजान उठ गए, उन्होंने रवा ला के दे दिए। तो यहाँ पे मैं रवे के अंदर है ना ये दही ऐड कर दूँगी, ये अपनी खट्टी दही जो दुकान में मिलती है नॉर्मल वाली जो हम खाते हैं वो मैं यहाँ पे देख देख के ऐड कर रही हूँ कि पूरी ऐड कर दूँगी, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी लेकिन नहीं, कटोरा भर के पूरी मैंने दही इसमें ऐड की और उसको अच्छी तरीके से मिला लिया। मेरी आवाज़ बड़ी तकलीफ़ में है, आप लोग को थोड़ा अजीब भी लग रही होगी मेरी आवाज़, मुझे पता है थोड़ी कम भी आ रही होगी इसलिए मैं उसको थोड़ा सी डबल वॉल्यूम कर दूँगी एडिटिंग में, तो शायद आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी भी ऐड किया है और इसको अब मैं अच्छे से मिला के, इसमें अभी नमक सोडा कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ दही और रवा, इसको मैं साइड में रख दूँगी। पर मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने 10 मिनट ही रखा, 10-15 मिनट, आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, आधा घंटा रखो इसको। यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि आपके भाईजान को उठाते मैं थक गई, 3 बार उठाई तब जाके उठे। यहाँ पे मैंने बारीक बारीक कड़ी पत्ते काट लिए हैं, अक्खे नहीं काटे, कांदा काटा है, थोड़ी सी शिमला मिर्ची काटी है। अभी वो बैटर को है ना जो मैंने बना के रखा उसको मैं तड़का दूँगी। तो यहाँ पे राई ऐड की मैंने और कड़ी पत्ता बारीक बारीक जो काटा है वो ऐड कर दिया। आप यहाँ पर भी तड़का दे सकते हैं, अदरवाइज आप जब पैन में अच्छे ऐड करोगे तभी भी तड़का दे सकते हैं।
अभी देखिए यहाँ पे मैंने ना वेजीज जो भी आपको ऐड करनी है, मैंने सिर्फ कांदा और शिमला मिर्च ऐड की। आप चाहो तो गाजर, फ्रेंच बीन, जो भी वेजिटेबल आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। इसको थोड़ा सा सौते कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ताकि सब्जियाँ जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाए। आप चाहो तो कच्ची सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हो बैटर में, और राई और कड़ी पत्ते का बघार ऐड कर दो तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बट मैं वेजिटेबल को थोड़ा सॉफ्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी उज़्मा भी नाश्ते में यही खाई थी, और भाजी कड़क लगती है तो फिर वो कुछ नहीं खाती है। पहली बात तो भाजी देख के ही कुछ नहीं खाती है। तो यहाँ पे मैंने सोडा ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है। अब इसको फटाफट से मिक्स करूँगी, और मिक्स करते साथ इसको हमें बनाना है, इसको रखना नहीं है मिक्स करने के बाद। मेरी आवाज़ आधी निकल रही आधी रुक जा रही, आधी निकल रही आधी रुक जा रही ठीक है। तो बस इसको अच्छे तरीके से, अच्छा मैं आप लोगों को बता रही थी ना, अगर आपको यहाँ पे तड़का नहीं देना है तो आप यहाँ पे तड़का मत दो, आप यहाँ पे वेजीज ऐड कर लो। और जब पैन गरम हो जाएगा ना, तो पैन गरम होने के बाद जैसे अभी मैं तेल पोर करूँगी, तो तेल गरम होने के बाद उसके अंदर आप थोड़ी थोड़ी राई कड़ी पत्ता ऐड करके, ये देखिए इस तरह से मैं तेल इसके अंदर थोड़ा सी छोड़ूंगी। तो इस स्टेज पे भी आप राई कड़ी पत्ता ऐड करके फिर एक एक आप पे पोर कर सकते। बस एक चीज़ का मैं ध्यान देने बोल रही बार बार, जो बैटर है ना उसको कम से कम 20 मिनट आधा घंटा रेस्ट करने दो, तो अप्पे जो है ना हमारे बहुत अच्छे से फूलेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ पता है, सबसे पहले मैं छोटे छोटे से अप्पे बना रही हूँ उज़्मा के लिए, उसके बाद सेकंड बैच में मैं थोड़े बड़े करूँगी। छोटे अप्पे जो होते हैं ना वो इधर उधर फैलते नहीं, जो है जहाँ है वो उधरी वही मोल्ट में रहते। लेकिन हम ज़्यादा बैटर भी ऐड कर देते हैं ना तो फिर वो मोल्ड के बाहर आने लग जाते हैं। अब मैं इसको ढक दूंगी और 5 से 7 मिनट के बाद दूसरी तरफ से ये पक जाएगा। वैसे वो एक ही टाइम पे सब नहीं पक जाते, हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि फ्लेम जो होती है वो बीच में होती है, तो बीच वाले जो है वो जल्दी पक जाते हैं और आजू बाजू के जो है ना वो नहीं पक पाते, तो उसको अपने को चेक करना पड़ता है बार बार ठीक है। तो ये देखिए बीच वाले जल्दी पक जाते हैं और आजू बाजू वाले ना उधर तक के आँच नहीं पहुँचती, क्योंकि हमें इसको स्लो आंच पे पकाना है। फास्ट करेंगे तो बीच का जल जाएगा, तो ऐसा तो चेक कर करके अल्टी पल्टी करके चेक करो आगे। मतलब एक बैच को पकने के लिए 12 से 15 मिनट लगता है स्लो आंच पे, एक बैच को यानी एक बार जो मैंने ऐड किया 12 से 15 मिनट लगा। तो ऐसा यहाँ देख सकते हैं ये रेडी हो गया, तो जो जो रेडी होगा वो मैं निकालूंगी, सब एक साथ नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, क्योंकि जैसे मैंने बोला बीच के पक जाते हैं आजू बाजू के नहीं पकते। तो मैं क्या कर रही थी पता है, जिधर फ्लेम जल रही है वहाँ पर मैं ये पैन को घुमा रही थी, और बीच के निकालने के बाद मैंने वो बीच वाली जगह खाली है, तो मैं बोली चलो उसको भी यूटिलाइज़ करते हैं। तो आजू बाजू के दो दो तीन तीन उठा के मैं बीच में ऐड करके पका ली थी। तो यहाँ पर एक बैच का पक चुका है छोटे छोटे से, अब मैं दूसरी बैच पकाऊँगी। देखिए दूसरी बैच में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है बैटर, तो वो अलग ही दिखेगा आपको, बड़ा वाला अलग ही दिखेगा और छोटा वाला अलग ही दिखेगा। आप देख सकते हैं बड़े वाले अच्छे से फूलते भी है और इससे भी ज़्यादा फूल सकते हैं पता है, अगर हम लोग बैटर को अच्छे से रेस्ट देंगे तो गोल गोल होते एकदम, अगर अच्छे से रेस्ट देंगे अपन बैटर को। और ये देखिए छोटे वाले चपटे चपटे से थोड़े से, क्योंकि वो छोटे थे ना कम डाला था मैंने बैटर। तो ऐसा है, चटनी भी अच्छे तरीके से रेडी हो गई है, आइए आप लोग भी खाने। तो कैसी लगी आप लोगों को रेसिपी आप लोग कमेंट करके बताना, मैं तो यहीं पे बोल के बताऊंगी। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, बहुत टेस्टी और यम्मी बनी थी, तो बहुत मज़े से खाए हम लोग ने, और कोकोनट की चटनी भी अच्छी बनी थी माशाल्लाह से। बट मैंने ना बहुत छोटे छोटे कर ली थी, आप चाहो तो उसको बड़ा कर सकते हैं जैसे मैंने बड़ा की ठीक है। तो ऐसा है, और हाँ मुझे थोड़ा सी सोकिंग के लिए थोड़ा टाइम कम मिला, मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट सोक करके रखना चाहिए था, बट मैंने उसको 10 मिनट में ही सोख करके बना दिया था, क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के पास, मेरा ना कैप निकल गया था। मेरा 3-4 दिन से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ मुँह में मेरे बहुत दर्द है, मेरा अक्कल दाँत भी बहुत दुख रहा है, और मेरा अक्कल दाँत ये साइड का दुख रहा था और कैप निकल गया यहाँ का, यानी कि मेरा ब्रिज निकल गया। मैं दोनों साइड से खाने लायक नहीं थी, वो तो अल्लाह का शुक्र है ये सॉफ्ट सॉफ्ट बनाई थी, एकदम नरम नरम मस्त था, मतलब ऊपर से थोड़ा बहुत क्रिस्पी था, इतना ही कड़क कुड़क नहीं होता, एक बार ठंडा हो गया तो नरम हो ही जाता, ये एक सॉफ्टी रहते हैं, और अच्छा लगा खा के, मज़ा आ गया। तो आप लोग भी ट्राई करना, और ये रेसिपी बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी की होंगी, आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना खाने में, शॉर्टकट रेसिपी है और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। सच्ची बताओ कैसे बने थे अप्पे? अप्पे अच्छे बने थे, बैठो
ये तो पहले अपने बाल ही सुधार दे रहे थे। बाल सुधार रहा था तो मैं कैसे बने थे अपे अच्छे बने थे। उज्मा को भी अच्छे लगे थे। हाँ, बहुत सॉफ्ट भी थे। बस खाली मैं बोलूंगी ना आप ना कम से कम कप ऑफ टी खाली ना आप ना उसको जब मिक्स करते हो ना दही में तो उसको कम से कम 20 मिनट आधा घंटा सोख करके रखो उसके बाद बनाओ ठीक है। मेरे पास मेरे को डॉक्टर के पास जाने का था मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने ना 10 ही मिनट मैंने रखी थी ना। हाँ, जो भी मस्त बना था। मस्त बना था। मेरे लिए तो बहुत अच्छा था भाई क्योंकि मेरे को चबाने की इतनी दिक्कत नहीं आई इसलिए मैंने ना भाजी वीजी भी ज्यादा नहीं डाली क्योंकि मेरी उज्मा वैसे भी भाजी निकालती है नोच नोच के उतनी सी भाजी भी कैसे निकाल रही थी। इसमें भाजी एक भी मैं नहीं खाती। हाँ मुझे भी चापने में दिक्कत थी बल्कि मैंने भी ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया। आप चाहो तो उसमें अलग अलग तरीके की वेजीज ऐड कर सकते हो तो ऐसा। और वही सेम बैटर से आप चीला बनाओ वो तपा क्या बोलते हो तपा बोलते हैं हाँ वो बनाओ तो बन जाता है अच्छे बनता है टेस्टी बनता है। ओके चलिए फिर अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना अपनी दुआ में याद रखना। बाय बाय।